चेयरमैन साहब, क्या मामला है जो आज ये हो रहा है? चार्ज लेने के बाद मैं कर्मचारियों की सूची मांग रहा हूँ, मुझको गुमराह किया जा रहा है। ज़्यादा सख्ती करने पर इन्होंने जो है लिस्ट मुझे बना के दे दी थी। काय की सूची मांग रहे थे आप? कर्मचारियों की, संविदा परमानेंट और ठेके वालों की। उसमें जो है घपला हो रहा है, ज़्यादा कर्मचारियों की सैलरी निकाली जा रही है। चेक मेरे सामने आए, मैंने चेक साइन करने से मना कर दिया। कितने कर्मचारी लगे हुए हैं आपके यहाँ? ठेके के कर्मचारी 35 लगे हुए हैं हमारे यहाँ, और 55 की चेक बन के आया था। 55 का चेक? हाँ जी। फिर आपने क्या किया? फिर हमने कहा मैंने कि भाई जांच कराऊंगा, तो हमने SDM साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ इनकी एक लिखित शिकायत कल कर दी थी। ठीक है। तो इनको पता चल गया पेपर में आने के बाद, तो इन्होंने आके CCTV कैमरे बंद किए और दस्तावेजों में हेराफेरी की। कब किया ये काम इन्होंने? ये आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ है। मुझे सूचना मिली थी 2:30 बजे के करीब। अच्छा। कि इस तरीके से कुछ हो रहा है, तो मैं नगरपालिका आया, तो मैंने मौके पर जो बाबू छुट्टी चले गए थे, 8-8 दिन की छुट्टी लेके जो गए थे, वो सारे बाबू इसके अंदर पाए गए। क्यों कर रहे हैं बाबू इस तरह की? इसमें कुछ संवेदनशील मामला है, इसलिए ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कितने लोग हैं इसमें शामिल? शामिल ये 5 बाबू हैं, और 5 बाबू हैं और एक आज जो हमारे ठेके के भर्ती हैं वो हैं। क्या कोई अधिकारी भी इसमें शामिल है? हाँ, ये बताते हैं कि EO साहब का ट्रांसफ़र हो गया पहले वालों का, तो नए जो आए हैं सक्सेना साहब, उनका ये तबादला कराने में लगे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम पुराने वाले EO साहब आएंगे तभी कुछ होगा। किसी अधिकारी को पैसे वैसे दिए जाने की बात भी आई थी सामने? हाँ, ऐसा सुनने में आया है, जो 35 लोग भर्ती हुए हैं पंकज के पीरियड में, उनसे 5-5 लाख रुपए और 3-3 साल की तनख्वाह उनसे ली गई है, और नए आदमी भर्ती किए गए हैं 35 लोग। कोई अलीगढ़ के कोई अधिकारी हैं, उनको कोई महीनेदारी भी कुछ जाती रही है? हाँ, ऐसा सुनने में आया है। ये बताते हैं कि साहब DM साहब को देना पड़ता है, ADM साहब को देना पड़ता है, यहाँ LVC बाबू को देना पड़ता है, इसलिए ये जो है एक्स्ट्रा कर्मचारियों की सैलरी निकालनी पड़ती है। कोई खास अधिकारी ऐसा भी आया आपके समय में जिसको गया हो? देखिए, मेरे सामने तो नहीं गया, मेरे सामने मांग की गई थी कि साहब इतने 1000 रुपये महीने जाते हैं, मैंने मना कर दिया। किसके लिए मांग की गई थी? ये नाम तो मुझे नहीं पता, क्या कहते हैं LVC ऑफिस में जाते हैं। LVC ऑफिस किसका, किस डिपार्टमेंट का, ये मुझे जानकारी नहीं है। तो आपने उन सब जो पैसा जाता था उस पर रोक लगा दी है? हाँ, रोक लगा दी है, मैंने कोई चेक साइन नहीं किए हैं। अब क्या करेंगे आप? अब ये मैं ऑडिट कराना चाहता हूँ DM साहब के माध्यम से, सारे दस्तावेज ऑडिट कराए जाएं, उसके बाद ये ऑफिस खुलें, उससे पहले ये सील कर दिए जाएं ऑफिस। तो आज ये क्या खुला छोड़ गए ऑफिस सब? हाँ, ये खुला छोड़ गए हैं, भाग गए हैं। फिर मैंने अपने ताले लगवाए नए खरीद के मंगवा के, और यहाँ पुलिस पर सूचना दे दी है, SDM को सूचना दे दी है, और CO साहब ने फ़ोन उठाया नहीं है, DM साहब ने फ़ोन उठाया नहीं है, फ़ोन सब पे किए मैंने। इंस्पेक्टर साहब ने एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भेज दिए हैं।